नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, शुरू कर दीजिएगा। तो बच्चों देखें ये क्वेश्चन, करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटलिक वायर एट टू टेम्परेचर T1 T2 आर शोन इन फिगर, विच वन इज हायर T1 और T2। तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ है, तो V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू जाएगा V अपॉन R, I इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन R इंटू V, ये I की वैल्यू हो जाएगी। तो अब वन जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, तो अब जिसका भी रही 1 अपॉन R स्लोप हो गया ना, y बराबर mx टाइप की एक लाइन हो गई और उस लाइन का जो स्लोप है वो 1 अपॉन R है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम हो जाएगा। अच्छा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। जेट 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 I इज इक्वल टू वी अपन आर हो गया, तो इसमें जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, T1 का ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर T2 जो है ये ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। फिर से एक बार बताता हूँ, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल हो गया 1 अपॉन R इंटू V, तो Y इज इक्वल टू MX टाइप की अगर हम कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स से इसका कंपेयर करें, तो m की जगह 1 अपॉन R आ जाएगा, m 1 अपॉन R आ गया, तो जिसका r ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम आएगा, और जिसका r ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 जो है वो T1 से बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कार जो है इसका स्टोरेज बैटरी है EMF 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 दे रखा है। इफ द स्टार्टर ड्रॉज ए करंट ऑफ 9 एम्पीयर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। ठीक है, तो ये कार की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻²² दिया है, स्मॉल आर मान लेते हैं, और बैटरी का EMF 12 वोल्ट का है, और इसमें अगर स्टार्टर एक करंट 90 एम्पीयर का ड्रॉ करता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें आई करंट जा रहा है, तो बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज जो आता है वो ई माइनस आई आर के बराबर आता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ, प्लस ये माइनस, यहाँ से चालू करता हूँ, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ मैं और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ मैं, तो ए वी ए माइनस आई आर प्लस 12 इज इक्वल टू वी बी, ऐसा हो जाएगा, और वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा 12 माइनस आई आर हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 12 माइनस आई आर। आई दिया हुआ है इन्होंने 90 और आर है 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना हो जाएगा 4.5, 12 − 4.5, 12 − 4.5 ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। करें कि लंबे यूज करने के बाद बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाता है, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एज्यूम द ईएमएफ ऑफ द बैटरी टू रिमेन अनचेंज्ड। तो अब अगर ये 500 ओम हो जाता है तो इससे मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ किया जा सकता है बैटरी से, एज्यूम द ईएमएफ ऑफ द बैटरी टू रिमेन अनचेंज्ड। तो अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया और बैटरी ऑपरेशनल है तो ट्वेल्व वोल्ट है ना, 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया है, टर्मिनल वोल्टेज इसका जो आएगा वो ई माइनस आई आर था, टर्मिनल वोल्टेज जो आ रहा था
भी माइनस बी है, तो ई माइनस आई आर आता था। अब अगर करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा तो वी बी माइनस वी ए घटता जाएगा, और वी बी माइनस वी ए टर्मिनल वोल्टेज जीरो से कम तो हो नहीं सकता है, तो जहाँ पर वी बी माइनस वी ए जीरो के बराबर हो जाएगा उसी जगह पे करंट मैक्सिमम होगा। तो वी बी माइनस वी ए जीरो के बराबर हो गया, ई की वैल्यू 12 है, आई हमें पता लगाना है, आई की वैल्यू पता लगानी है, और आर 500 है, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आई की जो वैल्यू आएगी यह जाएगी 12/500 या 24/1000 या इसी को कह सकते हैं 24 mA जी हो जाएगा। भाई वी बी माइनस वी ए माइनस आई आर होता है, आई बढ़ाते जाओगे तो ई माइनस आई आर की वैल्यू कम होती जाएगी, अधिक से अधिक आई जो है आप ऐसा कर सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाए, जीरो से कम तो टर्मिनल वोल्टेज हो नहीं सकता है, तो अधिक से अधिक आई आप जो कर सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाए। तो टर्मिनल वोल्टेज मैंने जीरो कर दिया तो ये 12 - I × 500 इज इक्वल टू जीरो, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 12/500, तो ये 24 mA हो जाएगा। ये हो गया, इफ द डिस्चार्जिंग बैटरी इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल सोर्स, द ग्रेटर द चार्ज बाय एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग फॉर ग्रेटर इज लेस देन और इक्वल टू 12 mA। जब बैटरी चार्ज होती है तब क्या होता है जरा देखें, जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी में करंट जो जाता है वो लो से हाई जाता है, हाई से लो जाता है, ये आर है, करंट ऐसे जाएगा, हाई से लो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये जब बैटरी चार्ज होती है। अगर आप टर्मिनल ड्रॉप देखें इसका, पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी, तो बी ए माइनस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू बी, तो बी ए वी बी माइनस बी ए नहीं बी ए माइनस बी बी टर्मिनल वोल्टेज जाएगा ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर के बराबर हो जाएगा, जो कि ई से बड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन बी, ये इसका आंसर हो जाएगा।